जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाम और मैं विजयदत्त पिंटू। कल यानी 28 नवंबर का दिन झारखंड के अफसरों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जी नहीं, कोई तबादले की सूचना नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है अफसरों का। कल का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल उस आदमी की पेशी लगने वाली है जिसके यहाँ अफसरों की रंगीन महफिलें सजा करती थी। कौन है वो शख्स और क्या कुछ है कहानी, ये हम बताएंगे। मगर उससे पहले एक जरूरी बात कि हमारी खबर आपको अगर अच्छी लगती रहती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करें, और फेसबुक पर इसे फॉलो कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, और अपने विचार जो आपको आते हैं कि हमारी खबर के बारे में आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वापस आते हैं अपनी बात पर। कल 28 नवंबर को उस शख्स की ईडी के सामने पेशी होने वाली है जो ईडी को चकमा देकर विदेश भागने की तैयारी में था। अब तक आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विशाल चौधरी की। विशाल चौधरी जिसके यहाँ उसके घर पर, जो कि उसका घर है रांची के सबसे पॉश इलाके अशोक नगर में, उसके घर में 6 मई को छापा पड़ा था। 19 करोड़ से ज्यादा रुपए नकदी की बरामदगी हुई थी और भी कई जो निवेश के कागजात हैं वो मिले थे। उसके बाद ईडी ने पूछताछ में बुलाया था। एक बार की पूछताछ के बाद अगली पूछताछ के लिए छोड़ दिया गया था। इस अवसर का विशाल चौधरी ने क्या खूब इस्तेमाल किया। वो पत्नी संग भारत से थाईलैंड भागने की तैयारी में था, मगर दिल्ली पुलिस की तत्परता से वो कामयाब ना हो सका। दिल्ली पुलिस ने उसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ लिया और फिर ईडी को सूचना दी। ईडी ने कल 28 नवंबर को पूछताछ के लिए उसे बुलाया है। अब जहां से मैंने बात शुरू की थी वो बताता हूं। विशाल चौधरी का जो अशोक नगर में घर है, उस घर में रात को बहुत ही ज्यादा वीवीआईपी लोगों की गाड़ियों का रेला लगा रहता था। बहुत सारे लोग आते थे अपने बॉडीगार्ड के साथ में, और विशाल चौधरी के घर से रंगीन रोशनी, रंगीन आवाजें, ठहाकों की बहुत सारी, महिलाओं की नृत्य संगीत और शराब महफिल की आवाजें आया करती थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां के जो स्थानीय उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं जो इस रंगीन शाम की वजह से थोड़ा परेशान हो जाते होंगे, उनका कहना है कि महफिल सजी रहती थी, रात भर वहां पर कार्यक्रम चलता रहता था, गीत संगीत का, महफिलें सजी रहती थी, जाम से जाम टकराते रहते थे। सुबह तक ये कार्यक्रम चलता था और सुबह में सब लोग फिर वापस अपने अपने घर जाते थे। जो जानकारी निकल कर आई जांच में, ईडी ने पहले जो पूछताछ की उसमें यह खुलासा हुआ था कि विदेश से लड़कियां मंगाई जाती थी। भाई झारखंड के लोगों के शौक का क्या कहना, विदेश से लड़कियां आती थी और राज्य के बड़े ताकतवर किस्म के अफसर लोग वहां पर आते थे और वहां पर लुत्फ उठाते थे। थोड़ा काम के बोझ से दबे हुए अफसर थोड़ा आराम करते थे वहां पर, सुबह फिर वापस लौट जाते थे। अब किन किन अफसरों का विशाल चौधरी के यहाँ आना था, क्योंकि विशाल चौधरी की अहमियत इसलिए है ईडी के सामने कि जो अवैध खनन का साहिबगंज से जो जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ, उस अवैध खनन के नेटवर्क से विशाल चौधरी भी जुड़ा हुआ है, और उसके यहां से जो नकदी की बरामदगी हुई है उसका सीधा कनेक्शन पता है किससे है, पूजा सिंघल से, जो कि खान सचिव रह चुकी हैं इस राज्य की। पूजा सिंघल का पैसा बताया जाता रहा है जो विशाल चौधरी के यहां से बरामद हुआ था। तो कल विशाल चौधरी की पेशी है। कल कई अफसरों की सांसें फूल रही होंगी, कहीं उनका नाम आ गया तो कहीं उनका भी ईडी के सामने में बुलावा ना आ जाए। तो क्या कुछ होगा कल अपडेट, ईडी कार्यालय से हम फिर आपको बताएंगे। हर राजनीतिक सामाजिक ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे रिक्की राज के साथ मैं विजयदत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।